हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिहार बाइकर बॉय। आज मैं आपको अपने बाइक होंडा हॉर्नेट 160R का ओनर रिव्यू दिखाने वाला हूँ। वैसे तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को कुछ पर्सनली कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे हैं, फेस कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं इसका हाई स्पीड भी मैंने किया, टॉप स्पीड कितने तक मैं पहुँचा पाता हूँ इसका आज मैंने वो ट्राई किया, वो आप देख सकते हो इस वीडियो के एंड पे कि मैंने कितने हाई स्पीड तक इस बाइक को ले गया। और उसके अलावा मैं आपको इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है वो बताता हूँ जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है आप लोग को फ़ेस ना कर रहा हो, बट मेरे को ये फ़ेस हो रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसकी बिल्ड क्वालिटी का, जैसे कि आप देख सकते हो इस प्लास्टिक में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइनिंग आ गया है। ये पता नहीं बस एक चाबी की वजह से ये हुआ है या कैसे हुआ है, मुझे आज तक समझ में नहीं पा रहा। और ये यहाँ भी आप देख सकते हो इसका पेंट जैसे फेड हो गया है, जिस साइड दिस साइड सारा पेंट जो है इस साइड सब फेड हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की। मतलब आप सोच सकते हो किसी भी एक चाबी की वजह से इस पर स्क्रैच आना, फिर यहाँ पे आपको कलर फेड हो जाना। आप देखिए नज़दीक से आपको दिखाता हूँ मैं, कलर फेड हो गया है पूरा। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि किस क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है या पेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। ये एक पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है इसमें ये चाबी का, जैसे अगर मैं ये चाबी लगा देता हूँ, आप जैसे मेरे पास देख सकते हो मेरे पास 3 चाबी मैंने इसमें लगा रखा है। एक्चुअली ये बाइक की चाबी है, ये डिस्क लॉक की चाबी है, और ये इसके चेन की चाबी है, जो मैं चेन लगाता हूँ उसकी चाबी है, ठीक है। ये मेरे ऑफिस के ड्रॉअर की चाबी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई चाबी मैं इसमें लगा नहीं रखा, बट फिर भी जब भी मैं इसमें चाबी लगा के ऑन करता हूँ तो राइड करते वक्त क्या होता है कि ये अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब मैं इसको ऑफ करके निकालता हूँ तो अक्सर क्या होता है कि चाबी अटक जाती है। जैसे देखिए अभी नॉर्मली मैंने राइड नहीं किया, बस जनरली मैंने इसको लगाया था, और जैसे ही मैं निकाल रहा हूँ ये अटक गया है। अब इसके लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि मैं आखिर इसको निकालूँ कैसे। तो ये देखिए आप कितनी मुश्किल से निकलता है ये चाबी। मैंने बहुत कोशिश किया कि हो सकता है मेरी प्रॉब्लम से ही या मैं ठीक से नहीं लगा रहा हूँ इस वजह से ये चाबी अटक जाती है, बट नहीं, ये प्रॉब्लम जनरली मेरे को हमेशा हो रही है कि ये चाबी लगाते ही राइड करने के बाद जब मैं इसको बंद करता हूँ और जब निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये इजीली निकलता नहीं है, फंस जाता है, जैसे अभी आपने जस्ट देखा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ इस बाइक के साथ। तीसरा इसमें प्रॉब्लम है आपका ये गियर के पास ये जो निकला हुआ है ये साइड का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा निकला हुआ सिर्फ मेरा है या सभी बाइक्स में है। मेरे को क्या हो रहा है इससे, जब भी मैं इस पर बैठता हूँ तो पैंट का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि ये वाला पार्ट इसमें फंसने की वजह से मैं अनबैलेंस होके नीचे गिर गया। वैसे ये जनरली मेरे पिछले बाइक पर नहीं हुआ था, मेरे पास हीरो होंडा स्प्लेंडर NX ही था, वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट बाइक है, ये डिफरेंट बाइक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है कि ये शायद मेरा ही ज़्यादा बाइक में ज़्यादा बाहर है या नॉर्मल सभी बाइक्स में है, ये मैं फेस कर रहा हूँ। मैं अभी अगला सर्विसिंग कराने जाऊँगा तो मैं उससे बात करूँगा। मेरे को 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूँ, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा पैंट इसके अंदर आके फंस गया है नीचे वाला पार्ट, और जैसे ही मैं पैर नीचे रखने की कोशिश किया तो ये फंसने की वजह से वो पैर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ और ये अनबैलेंस होकर इस साइड गिर जा रहा है। ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई। और चौथी प्रॉब्लम जो इसमें ही मैं फेस कर रहा हूँ वो है इसका हैंडल का। क्या होता है, मैं हर शायद पता नहीं 2-3 हफ्ते या 15-20 दिन के अंदर ही मेरा जो हैंडल का जो ये लोक है ये ढीला हो जाता है, तो आगे से अक्सर इसमें आवाज़ें आती हैं, खट खट की आवाज़ आती है। जैसे ही मैं इसको किसी मतलब पॉट होल से हल्के से पॉट होल में भी अगर ये जाता है तो खट खट आवाज़ करता है। तो ये लगभग मैंने 4-5 बार तो इसको टाइट करा दिया, अब लगता है फिर ढीला हो गया, ये फिर मुझे टाइट कराना पड़ेगा। ये तो हो गया चौथी प्रॉब्लम। पांचवी प्रॉब्लम इसके कलर फेडिंग की, पता नहीं इसमें कौन सी क्वालिटी का पेंट यूज़ किया है होंडा वालों ने, मुझे नहीं पता, बट इसके जो बॉडी के कलर्स हैं, जैसे ये कलर देखिए, जस्ट एक जूता पहनने से इसके कलर फेड हो गए, ये देखिए जस्ट एक शूज़ पहनने की वजह से इनके कलर्स जो हैं ये फेड हो रहे हैं। आपको उस साइड भी दिखाता हूँ मैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ बाइक के इस साइड से, ये देखिए ये कलर फेड हो गया मात्र मेरे एक शूज़ पहनने से। आप सोच सकते हो एक जूता पहनने से अगर आपके बाइक के कलर फेड हो जाए तो उससे क्या क्वालिटी होगा इस कलर का, बाइक के कलर का आप इमेजिन कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं या तो मेरा जूता ज़्यादा टाइट है, लोहा के बराबर जूता पहन रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा फेड हो गया। इतना तो मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि एक जूता पहनने से इतना फेड हो जाएगा।
और शायद सिक्स प्रॉब्लम, छठा प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ। इसमें छठा प्रॉब्लम आ रहा है चेन का। सिक्स प्रॉब्लम है चेन का। ये चेन पता नहीं, या तो मैं जब भी टाइट कराता हूँ या तो ये ज़्यादा टाइट कर देता है या फिर ये कम टाइट करता है। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये चेन टाइट होता कैसे है। ज़्यादा टाइट कराता हूँ तो गाड़ी इधर उधर अनबैलेंस होने लग जाती है। तो मैंने इसका अलाइनमेंट चेक कराया, बोला अलाइनमेंट भी सही लग रहा है, लेकिन मुझे इसका अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा। मैंने सर्विस सेंटर वाले को भी बोला कि मुझे इस बाइक का अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको हाईवे पे चलाया हूँ, एक साइड जो है वो कम घिस रहा है और दूसरे साइड में ज़्यादा घिस रहा है। मैंने दो तीन बार बोला कि या तो इसका अलाइनमेंट सही नहीं है या कुछ तो गड़बड़ है इस टायर में, क्योंकि ये टायर बीच से घिसना चाहिए हमेशा और दोनों साइड बराबर घिसना चाहिए। ये तो जनरली मैं नोटिस किया हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से हमेशा बराबर साइड से ये टायर घिसना चाहिए जब हम हाईवे पे चलाएं। तो पता नहीं, मैंने कंप्लेन तो किया है बट उन्होंने बोला कि नहीं ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अभी तक मैंने फर्स्ट सर्विस कराया, अब दूसरी सर्विसिंग में मैं जाऊँगा तब मैं उनसे दोबारा ये बात करूँगा कि आखिर ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों फेस हो रही है। आप देख सकते हो, ये देखिए इधर से ये कम हो रहा है और इधर से ज़्यादा हो रहा है। हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। पहले क्या है, एक बार था ज़्यादा था, फिर उसने थोड़ा सा पता नहीं क्या एडजस्ट किया, टायर खोला था, उसने बोला था कि इसका टायर का जो सेटिंग है वो गड़बड़ा गया है, ये लाइन जो होता है ये वाला जो लाइन होता है ये गड़बड़ा गया था, तो उसका पूरा हवा निकाल के इसको एडजस्ट किया उसने। उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा बट फिर भी अभी भी इसमें डिफरेंस है जो मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों, आपने मेरा हाई स्पीड का टॉप स्पीड का वीडियो देखा, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, टॉप स्पीड तो गया, उसमें अच्छा क्या लगना है। तो मैंने इसको टॉप स्पीड रीच किया एक लगभग 115 के अप्रॉक्स, उसे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया क्योंकि रोड खाली नहीं था। वैसे तो ये मॉर्निंग टाइम है, वीकेंड संडे, पर फिर भी रोड खाली नहीं था तो मैं ज़्यादा इसको नहीं भगाया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी ऑल्सो। तो 115 तक मैं इसको लेके गया हूँ, और जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम एक बार और कोशिश करूँगा आफ्टर सेकंड सर्विस में इसको कोशिश करूँगा फिर से टॉप स्पीड तक ले जाने की, कि कितने हाई स्पीड तक ये जा सकता है। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये 125-130 ये पहुँच जाएगा, क्योंकि 115 को भी इसका जो भागने का जो था वो नहीं, और भाग सकती थी ये गाड़ी बट मैं भगाया नहीं। एनी हाउ, तो इसका अभी तक का टॉप स्पीड मेरे बाइक में है 115 जो मैंने रीच किया। और उसके बाद आपको एक चीज़ और बताना था कि जो मैंने आपको मिस्टेक यहाँ बताई है स्टार्टिंग में, उसमें एक चीज़ और कमी था, वो था इसका गियर शिफ्ट का। मेरे को ये फर्स्ट सर्विसिंग हो गया है और पता नहीं क्यों मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है गियर शिफ्टिंग, नंबर 2 से नंबर 1 में और नंबर न्यूट्रल में आने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है। जब नंबर 2 में रहता है तो मैं जब भी न्यूट्रल में लाना चाहता हूँ तो नंबर 1 में चला जाता है, और जब नंबर 1 में रहेगा मैं उसको न्यूट्रल में डालना चाहूँगा नंबर 2 में चला जाएगा। कभी कभी तो नंबर 2 से नंबर 1 में आने में इसको बहुत दिक्कत होती है, गियर अटक जाता है। और कभी कभी मेरे को ये प्रॉब्लम आता है कि मैं 3 से 4 या 4 से 3 या 2 पे लाता हूँ तो गियर में खट खट की आवाज़ आती है और बहुत मुझे ताकत लगाना पड़ता है गियर में। तो ये गियर शिफ्ट का जो प्रॉब्लम है ये मैं अगले सर्विसिंग में बात करूँगा, सेकेंड सर्विसिंग में जो लगभग 13 नवंबर को मेरा हो जाएगा, तो उस टाइम पर मैं ये बात करूँगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर आप लोग को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि होंडा की बाइक में, वो भी 160 cc सेगमेंट की बाइक में ये प्रॉब्लम रहे। प्लीज़ सॉल्यूशन बताएं इसका। तो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था डिजिटल कंसोल में, ये जो डिजिटल कंसोल है ये इन्होंने क्या किया है, यूनिकॉर्न का डिल्टो कॉपी कर दिया। वैसे तो यूनिकॉर्न के प्लेटफॉर्म पर ये बाइक बनाया है उन्होंने, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो चेंज कर सकते थे डिजिटल मीटर में।